हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज मैं आपको लेके आया हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर 63 में, जहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अनंत राज के आने वाले अल्ट्रा लग्जरी अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में। बात करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड यहाँ पर जनरेट हुई है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर। बात करते हैं डीएलएफ द आर्बर की, जो लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें के आपके 1137 अपार्टमेंट्स आए थे और 3 दिन के अंदर लगभग सारे अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो गए थे। 5 से 5,500 चेक्स उठे थे उसके लिए। उसके बाद लगा था कि शायद द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव में बहुत ज़्यादा डिमांड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड थोड़ा सा ठंडा हो गया है। लेकिन अभी जो एमआर का प्रोजेक्ट आया था अर्बन ओवासिस सेक्टर 62 में, उसने एक अलग ही लेवल का रिकॉर्ड बनाया है, जहां पर 425 अपार्टमेंट्स के लिए 4,500 चेक्स उठे हैं। 10 टाइम आपके चेक्स उठे हैं जितनी यूनिट्स है अवेलेबल। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड जनरेट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो भी डिमांड्स आ रही है वो आ रही है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर, और उसमें भी बड़े साइजेस के अंदर। अगर जितने बड़े साइजेस है उतनी ज़्यादा डिमांड मिल रही है। तो इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो कि अनंत राज लेकर आने वाला है सेक्टर 63 के अंदर, इसी लेवल का प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पर आपका जो टोटल लैंड एरिया है वो है 5.5 एकड़, 2 साइड ओपन ये आपको साइट मिलती है। अगर मैं अनंत राज एस्टेट की बात करूं तो टोटल ये आपका 125+ एकर्स की टाउनशिप है, जिसमें आपको प्लॉट्स मिलते हैं, लो राइज आपको फ्लोर्स मिलते हैं, विलाज मिलते हैं। उसी के अंदर ही 5.5 एकड़ में ये आपका हाई राइज आने वाला है। तो 125-130 एकड़ की जो भी ये टाउनशिप है, फुली गेटेड टाउनशिप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता हाई राइज आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से आपका जो अरावली का व्यू है, बिल्कुल यहाँ से आपको नीट एंड क्लीन दिखता है, और बिल्कुल इस लोकेशन के साथ से आपका अरावली स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद से यहाँ पर ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाली। तो जो आपका हाई राइज का जो अपार्टमेंट होगा, उसके आगे किसी भी तरह के और अपार्टमेंट्स नहीं आने, तो आपका जो व्यू है वो पूरी तरह से सही रहेगा। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन 63 की बहुत ही प्राइम लोकेशन है, मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड यहां से 84 मीटर आपका जो सेक्टर रोड है उसके थ्रू से कनेक्ट होता है। 2 किलोमीटर पे आपका मेन एक्सटेंशन रोड आ जाता है, वहां से फर्दर 1 किलोमीटर पे आपका सेक्टर 56 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है। जितनी भी एमिनिटीज जैसे आपके रिटेल मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सारे आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ही मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। सारी जो लोकेशंस है वो चाहे आपके अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे मॉल्स हैं, जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो नियर बाई लोकेशन में ही आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। 5.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 4 इसमें टावर्स आएंगे। इसमें जो साइजेस आपको निकल के आएंगे 3800 और 4800, 2 तरह के साइजेस हैं, और सारी स्पेसिफिकेशंस इसमें 4 BHK की है। जो 4800 स्क्वायर फीट का जो टावर है वो आपका फ्रंट में आएगा, उसमें आपका 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब होगा नीचे 3 लेवल पे। उसके बाद आपके अपार्टमेंट्स शुरू हो जाते हैं। सभी टावर्स में आपके पर फ्लोर 2 ही अपार्टमेंट्स रहेंगे, आपको प्राइवेट एलिवेटर्स मिलते हैं। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन पार्टनर की बात करूँ तो दे आर इन टॉक विद द ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर। जैसे ही नाम फाइनलाइज होता है तो वो डेफिनेटली हमें बता देंगे, एंड वी विल लेट यू नो द नेम ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन पार्टनर। आर्किटेक्ट की बात करूँ तो गैरी ग्रीन करके आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। 250 इसमें टोटल यूनिट्स मिलेगी आपको, G+35 का इसमें स्ट्रक्चर रहेगा, पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे। स्पेसिफिकेशन जो है सारी आपकी अल्ट्रा लग्जरी की है, पोडियम बेसिस में आपका स्ट्रक्चर रहेगा, -3 लेवल की इसमें आपको बेसमेंट मिलती है, 250 अपार्टमेंट में आपको 750 कार पार्किंग्स मिलती है। तो कार पार्किंग्स आपको पूरी तरह से मिलती है, एफिशिएंट इसमें कार पार्किंग्स अवेलेबल है आपके पास। अब बात करते हैं कि इसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो EOIs का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में जो पिछले 1 साल से चला है, द सेम कॉन्सेप्ट कंटिन्यूज विद अनंत राज एज वेल। इसमें आपके EOIs उठना स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी अच्छे नंबर्स में ऑलरेडी चेक्स उठ चुके हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे बाकी बिल्डर्स ने किया है कि 400 यूनिट है तो आप 4000 चेक्स उठा लो। जैसे ही इनके 400-500 चेक्स आ जाते हैं वो EOIs लेना बंद कर देंगे। तो अगर आपसे मिस हुआ है
डीएलएफ द आर्बर अगर आपसे मिस हुआ है, एमआर का अर्बन ओएसिस, और यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और ऐसे बिल्डर की प्रॉपर्टी देख रहे हो जिसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जो एक गेटेड टाउनशिप हो, जहां पर जो नियर बाई चीज़ें हैं वो काफ़ी नियर बाई विसिनिटी में है, तो उसके लिए अनंत राज का जो ये अपकमिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है आप उसको मिस मत करो। सो मैं कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है आप जल्दी से हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पे विच आर मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। सो इट वॉज ऑल अबाउट अनंत राज अपकमिंग हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन सेक्टर 63A। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।